हाँ जी बेटे, गुड आफ्टरनून बेटे। आज अब थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कराएंगे। चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज अब सिर्फ बेसिक्स ही कराएंगे ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो अब पूरी यूनिट डिस्कस कर रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपन ने क्लियर हो गया सीगा कि रिप्रोडक्शन है कि तरह की है, केड़े ऑर्गेनिज्म केड़े मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन के नाल डिवाइड करते। फिर अपन ने सेकेंड चैप्टर च डिस्कस किया सीगा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो किवें होंदी है, अपन ने सेकंड चैप्टर के अंदर वो डिस्कस किया। थर्ड चैप्टर के अंदर अपन की डिस्कस करांगे द रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमंस। ठीक है, यानी कि हुण इत्थे अपने कोल दो चीजां आ गईआं, ह्यूमन एंड रिप्रोडक्शन। ह्यूमन अपन नूं पता है कि वी ऑल आर ह्यूमंस। ठीक है, जो कि किंगडम एनिमेलिया दे अंदर फाइलम कॉर्डेटा दे अंदर क्लास केड़ी आ जाऊगी, मैमिलिया। ठीक है, मैमल्स दे अंदर आप आ गए लास्ट कैटेगरी दे अंदर। एंड वी हैव रिप्रोडक्शन का मतलब कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म लाइक योरसेल्फ। अगर ह्यूमन ही नहीं रिप्रोड्यूस करूंगा तो लाइफ है जड़ी ऑन द अर्थ हाउ इट विल बी कंटिन्यू। तो ह्यूमन दी लाइफ नू कंटिन्यू करन लई अपने कोल की हुंदा है, रिप्रोडक्शन है जड़ी ओ चलदी रहंदी है। ठीक है, तो हुन अपने कोल ह्यूमन रिप्रोडक्शन दे अंदर फर्स्ट अपने कोल की आ जांदा है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दा मतलब की है, डाई मतलब दो, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजिकली। ह्यूमन्स ने जड़े ओदे अंदर दो डिफरेंसीएशंस ने, मेल अलग हुंदे ने ते फीमेल्स अलग हुंदियां ने, जिन्हों आपां कहिंदे आ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल दा मतलब हो गया सेक्सुअलिटी, मेल और फीमेल ऑन द बिहाफ ऑफ देयर सेक्सुअल पार्ट्स। डाइमॉर्फिज्म मतलब दो फॉर्म्स दे अंदर दिखना, देखन च भी अलग अलग लगना कि मेल्स आर डिफरेंट एंड फीमेल्स आर डिफरेंट। ठीक है, हुन बेटे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म तो बाद अपने को कॉमन डेफिनेशन है दैट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की हुंदा बेटे, प्यूबर्टी हुंदा जब एक बच्चे का बर्थ हुंदा ना, बॉय और गर्ल कोई भी दोनों दोनों दे बर्थ तो लेके फर्स्ट 10 इयर्स तक जेने फीचर्स होंदे ने वो सेम रहंदे हैं। दोनों दे बर्थ तो लेके अप टू 8 to 10 इयर्स कह लो, 10 इयर्स कह लो, सेम फीचर्स के अंदर अपा डेवलप करते, मतलब बच्चे दी ग्रोथ है जेड़ी वो गर्ल और बॉय दी सिमिलर पेस ते चलती है। उस तो बाद दोनों दी बॉडी दे अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस, जिदे एज अ रिजल्ट दोनों दी बॉडी डिफरेंशियली ग्रो करती है, जिन्हों आप कहने हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मीन्स अटेनमेंट ऑफ द मेच्योरिटी कह सकते हो, सेक्सुअल मेच्योरिटी, या जिन्हों आप कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स दा बॉडी दे अंदर अचीव होना, दैट पीरियड ऑफ योर लाइफ इज कॉल्ड एज द प्यूबर्टी। ठीक है, गर्ल्स दे अंदर ए पीरियड हुंदा है जनरली ऑफ बिटवीन 10 to 12। गर्ल्स दे अंदर प्यूबर्टी है जेडी 10 to 12 इयर्स दे अंदर आ जांदी है, एंड बॉयज दे अंदर जो प्यूबर्टी है दैट कम्स इन 12 to 15, और इन सम ऑफ द बुक्स 12 to 14 भी लिखा हो सकता है। तो 12 to 15 इयर्स के अंदर ए प्यूबर्टी है जेडी ए आंदी है। क्लियर, हुन देखो हुन अपने को आ गया दोनों दी बॉडी के अंदर कुछ फीचर्स, कुछ प्यूबर्टी के करैक्टर्स ने जेडे सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स ने जेडे वो सेम रहंदे हैं, और कुछ फीचर्स ने जेड़े ओ मेल ते फीमेल दे डिफरेंट डिफरेंट होंगे, यानी कि
एक तो अपन एक पता चल गया कि गर्ल्स ने जड़िया उन्हां दी बॉडी दे अंदर मैच्योरिटी है जड़ी प्यूबर्टी है जड़ी वो बॉयज दे कंपैरिजन दे अंदर पहला आंदी है ठीक है दैट इज वाई देखो अगर आप इथों दी कंपेयर करिए तो मैरिजेबल एज ऑफ ए गर्ल इज लेसर देन द एज ऑफ ए बॉय क्योंकि गर्ल दे अंदर मैच्योरिटी किन्ने साल पहले आई बॉय तो 2-3 साल पहले आई द मैरिजेबल एज इज इन केस ऑफ द गर्ल इज 18 एंड इन केस ऑफ द बॉय दैट इज ऑफ 21 क्लियर है तो एक चीज अपन ये भी पता चल गई कि उधर साइंटिफिक रीजन की है साइंटिफिक रीजन इज प्यूबर्टी ऑफ द गर्ल्स कम्स अर्लियर देन द बॉयज ठीक है उस तो बाद आ जाओ बेटे अपने को है प्यूबर्टी के अंदर कुछ तो कॉमन फीचर्स होंगे ने सम आर कॉमन फीचर्स इन केस ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स Some changes are there in the body of the girls only and some changes are there in the body of the boys only. ठीक है जेडे कॉमन फीचर्स ने की है कॉमन फीचर है बेटे देखो दोनों की ही बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स ने जेडे आई डोंट नो केड़े हॉर्मोन्स वो बाद देखा पर दोनों की ही बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स की सेक्सुअल हॉर्मोन्स ने जड़े वो बनने शुरू हो जाते हैं वेदर दैट इज द बॉडी ऑफ ए बॉय और वेदर दैट इज द बॉडी ऑफ ए गर्ल ठीक है दोनों की ही बॉडी के उपर हेयर्स की ग्रोथ है जड़ी हेयर ग्रोथ ऑन द प्राइवेट पार्ट्स कह लो या वी कैन से सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी ठीक है देखो बॉयज के अंदर Although ज्यादा है कट है that doesn't matter but hairy growths are there like in armpits on the private parts of boys and girls there will be the hairy growth हो तो ना दी body दे अंदर रही है ना next will be the acne breakthrough दोना दी skin oily हो सकती है और acne है जेड़ा वो equal हुंदा है this is not only in case of the girls this is in the body of the both tusi apni life ch dekhya vi hona hai na kuch boys de vi pimples da breakthrough hai jehda oh hunda hai that is due to the presence of some of the hormonal changes theek hai to acne us to baad ek common changes de andar hai dono hi beauty conscious ne jehde oh ho jande dekho ek bachcha hunda hai jadon अप टू फिफ्थ सिक्स्थ एट्थ क्लास तक भी जो आप 10 साल देने है ना एक मदर एक बेबी दे जो मर्जी ड्रेसअप कर देंगे बेबी ईजीली ऑप्ट कर लेंदे है ना उस तो बाद जो अपना प्यूबर्टी वाला पीरियड आंदा है तो उस तो बाद जो आप ब्यूटी कॉन्शियस हो जाते हैं साइंटिफिकली होंगे फिर वो बच्चा चॉइस करके कपड़े पाने स्टार्ट कर देता आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू वीयर लाइक दिस आई डोंट वॉन्ट टू वीयर लाइक दैट आप शीशे दे अगे खड़े होके तैयार होना स्टार्ट कर देने कि मैं स्कूल दे अंदर कॉलेज दे अंदर मैं स्मार्ट लगना चाहिए तब वी आर वी कैन से स्मार्टनेस कॉन्शियस जेड़ा है और सारे बच्चे होना शुरू हो जाते दैट इज बायोलॉजिकली बायोलॉजिकली क्यों क्योंकि हॉर्मोन्स ने जेड़े वो अपनी बॉडी के अंदर एलिवेट होने स्टार्ट हो जाते तो दीज आर Some common changes which are there in the body of both boys as well as in the body of the girls. ठीक है हुन अपने को लाजो बेटे boys की body के अंदर केड़े changes आते हैं boys की body के अंदर जेड़े hormones बनते ने उन्हों का नाम की है testosterone. The name of the hormone is testosterone in case of the boys only. ठीक है उस तो बाद आजो बेटे testosterone boys की body के अंदर बनता है होर डिफरेंट चेंज के बॉय की बॉडी मस्कुलर हो जाती है देखो आप कहने मुंडा जवान होना शुरू हो जाता है दैट इज इतों की शोल्डर्स ने जेड़े वो ब्रॉड होने शुरू हो जाना मसल्स डोले बनने शुरू हो जाना ठीक है दैट इज बॉयज की बॉडी है जेड़ी वो ज्यादा मस्कुलर हो जाती है एज कंपेयर टू द गर्ल्स उस तो बाद बेटे बॉयज की बॉडी के अंदर थर्ड चेंज की है दिस वन इज एडम्स एप्पल वॉइस बॉक्स है जेड़ा वो लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स है जेड़ा वो प्रोमिनेंट हो जाता है वॉइस बॉक्स बिकम्स मोर प्रोमिनेंट ठीक है वॉइस बॉक्स प्रोमिनेंट हो जाता है ठीक है इस तो इलावा बॉयज के अंदर मोस्टेचेस एंड बियर्ड है जेड़ा वो आना स्टार्ट हो जाता है एंड मोर ओवर एग्रेसिवनेस है एग्रेशन है जेड़ा
ਉਹ ਬੋਇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਗਰਲਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਹਾਈ ਪਿਚਡ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦ ਬੋਇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦ ਬੋਇਸ ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਗਰਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੋਇਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਗੈਮੀਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਰਮਸ ਦਾ ਬੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਪਰਮਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟੀਰੋਨ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਐਗ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੇ ਮੰਥਲੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਵੋਇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋ ਪਿਚਡ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੁਰੀਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੋ ਪਿਚਡ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਵੋਇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥਾਈਸ ਬਟੋਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਥਰਡ ਕੈਵਿਟੀ ਥਰਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਟ ਦੀ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦਾ ਗਰਲਸ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਅ ਗਰਲ ਇਜ਼ ਨਾਉ ਏਬਲ ਟੂ ਕੈਰੀ ਦਾ ਬੇਬੀ ਇਨ ਸਾਈਡ ਹਰ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਟਸ ਕਿਉਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇਅਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਪੈਲਵਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਟਸ ਦੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫੈਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੈਸਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਲਾਰਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਸਟਸ ਦੀ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਪਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਨੋਟ ਟੂ ਦੈਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸਟਾਰਟ ਇਟਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰੈਸਟਸ ਦੀ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਇਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਰ ਮਾਰਕਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਰ ਮਸਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੀਅਰਡ ਮੋਰ ਸਟੈਚਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੇਅਰਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਬੋਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰੋਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੈਲਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਇਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਟੇ ਬੋਇਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਊਗਾ ਲੋ ਪਿਚਡ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਇਸ ਦਾ ਹਾਈ ਪਿਚਡ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦਾ ਗਰਲਸ ਹਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹਾਈ ਪਿਚਡ ਐਂਡ ਲੋ ਪਿਚਡ ਵੋਇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਇਸ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਪਿਊਬਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਚੇਂਜਸ ਆਰ ਕਾਮਨ ਐਂਡ ਸਮ ਚੇਂਜਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਗਰਲਸ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਸਮ ਚੇਂਜਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਬੋਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਐਮਬ੍ਰੇ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਮੇਨ ਕੋਰ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕੋਰ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਡਿਵਲਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਫ ਅ ਹਿਊਮਨ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਟੂ ਪਾਰਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦਾ ਟੂ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੀ ਨੇਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਨੇਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਐਮਬਰੇਓਨਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਐਮਬਰੇਓਨਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਨੇਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਵੋਮਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਤਾਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰਮਡ ਟੂ ਬੀ ਐਸ ਪ੍ਰੀ ਨੇਟਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਐਮਬਰੇਓਨਿਕ ਐਮਬਰੇਓਨਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਐਮਬਰੇਓਨਿਕ
और वी कैन से इट इज एम्ब्रियोनिक पीरियड प्री नेटल पीरियड. ठीक है, द टाइम विच वी हैड स्पेंट इन द वर्म्ब ऑफ द मदर इज कॉल्ड एज द प्री एम्ब्रियोनिक और प्री नेटल पीरियड. ठीक है, द पीरियड पास्ड इन द वर्म्ब ऑफ द मदर. ठीक है, पोस्ट नेटल पीरियड और वी हैव इज द पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड. बर्थ को बाद द जो टाइम है पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड या पोस्ट नेटल पीरियड. बर्थ तो बाद द जो टाइम है जो एक बच्चा बड़ा होंदा है और ग्रोथ होंदी है डेवलपमेंटल फेजिस आते हैं वो लाइफ के अंदर बचपन जवानी बुढ़ापा वह सारा की है मतलब मदर के वॉम्ब तो बाद जो सारा पीरियड है दैट ऑल इज द पोस्ट नेटल पीरियड. ठीक है, जो अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस आते हैं द पीरियड पास आउटसाइड द वॉम्ब ऑफ द मदर दैट इज द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिजम. ठीक है, जिन्होंने अपने लास्ट चैप्टर के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी डिफाइन किया था. ठीक है, तो दैट इज द पोस्ट नेटल पीरियड इज द टाइम आउट ऑफ द वॉम्ब ऑफ द मदर. ठीक है, मदर दे यूट्रस तो बाहर का जोड़ा पीरियड है दैट इज टर्म्ड टू बी एज द पोस्ट नेटल पीरियड और पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज द मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स. हूँ अपने को इस पूरे चैप्टर के अंदर जो इवेंट्स आनगियां वो अपन उन्हें डिटेल के अंदर पढ़ांगे बट हूँ अपने को फिलहाल वो डेफिनेशन दी फॉर्म के अंदर है अपन पूरे पूरे आर्टिकल भी पढ़ांगे ये हो ज्यादा क्लियर हो जाएंगियां. हूँ अपन उन्हें शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर पढ़ांगे. द फर्स्ट डेफिनेशन इज गेमीटो जेनेसिस. लिखन की लोड़ ही नहीं है कि गेमीटो जेनेसिस की है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गेमीट्स इज कॉल्ड एज द गेमिटोजेनेसिस. देखो अगर वो एक लेडी या एक फीमेल की बॉडी के अंदर हो रही है इतने याद रखना दिस इज द डिफरेंस. गेमिटोजेनेसिस इज द कॉमन टर्म विच इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ द गेमिट्स बट क्योंकि आप बिगिनिंग के अंदर क्या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है आप दोनों तो ह्यूमन आ बट फीमेल्स आर डिफरेंट एंड मेल्स आर डिफरेंट. तो फीमेल नहीं जिनी गेमिटोजेनेसिस है व्हाट इज दैट दैट इज ओजेनेसिस क्योंकि फीमेल दी बॉडी दे अंदर की बनूगा एग या ओवा जिनू आप कह सकते हैं डिफॉर्मेशन हुंदी है. ठीक है, बॉय या मेल मेल दे केस दे अंदर की हुंदे बेटे वी हैव इज द डिफरेंट टर्म दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स अकर इनसाइड द बॉडी. दोनों लई कॉमन टर्म की है गेमिटोजेनेसिस की है. कल्ले मेल की गल करूंगी तो की हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस कल्ली फीमेल की गल करूंगी तो की हो गया ओजेनेसिस. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज इनसेमिनेशन. इनसेमिनेशन देखो इनसे आप कोई रट्टा नहीं मारना एज आई टोल्ड यू ऑलवेज की बायोलॉजी नू किसी प्लस वन के अंदर थोड़ा थोड़ा क्रैमिंग क्रैमिंग कितने करनी है किसी चीज के नाम याद करने है एग्जाम्पल याद करनी है तो दैट इज द क्रैमिंग पार्ट. बट जो अपने आर्टिकल नू समझना है तो वह बायो च भी समझ नहीं होंगे क्रैम नहीं करना होंगे. ठीक है, तो इनसेमिनेशन की है. देखो जिड़ी फीमेल हुंदी है जिहड़ा एग हुंदा है वह इमोबाइल हुंदा मोटाइल नहीं हुंदा मतलब हिलदा नहीं हैगा अपने प्लेस ते ही रहिंदा बाहर नहीं जांदा हैगा. ठीक है, तो दैट इज नॉट मूवेबल. जिहड़े स्पर्म्स हुंदे ने वह मोटाइल हुंदे ने वह मूव करते हैं. तो इनसेमिनेशन देखो इन्हां दी मोटिलिटी नाल रिलेटेड इनसेमिनेशन हुंदा है द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मेल टू द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एज द इनसेमिनेशन. इन मतलब अंदर सेमिनेशन के अंदर एक वर्ड आता है सीमेन ये आप लेटर ऑन क्लियर भी करांगे टेंथ क्लास च भी सीगा. सीमेन की एक फ्लूइड होंगे जिदे अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे ने. ठीक है, तो दैट इज इनसेमिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म्स बाय द मेल इन टू द जेनिटल ट्रैक ऑफ द फीमेल. दो टर्म्स आ गई इन मतलब इनसाइड सेमिनेशन मतलब किदा इनसाइड सीमेन द इनसाइड. सीमेन च की प्रेजेंट है सीमेन के अंदर की प्रेजेंट है स्पर्म्स प्रेजेंट है. तो इनसेमिनेशन की हो गया ट्रांसफर ऑफ
स्पर्म्स, ठीक है, इत्थे आही आ गया ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ मेल इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल. क्लियर. नेक्स्ट हैबिटेट फर्टिलाइजेशन. लाइन वाइज चल रहे हैं आप, एनी चैप्टर च भी चलांगे. पहले आप गैमीट्स फॉर्म करांगे, फिर आप गैमीट्स नू ट्रांसफर करांगे, फिर की होगा फर्टिलाइजेशन. आप चैप्टर च भी ऐसे सीक्वेंस के अंदर ही चलांगे, दैट इज फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द एग इज कॉल्ड एज द इनफर्टिलाइजेशन. इन टोटेलिटी या इन अ शॉर्ट आप कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एज इन दैट इज फर्टिलाइजेशन. ठीक है, वी कैन से इज द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट टू फॉर्म द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज द जाइगोट, दैट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटे क्लीवेज. हम देखो चैप्टर ही पूरा हो गया ना, अपना चैप्टर पूरा हो गया. पहले आप मेल स्टडी करांगे, फिर आप फीमेल स्टडी करांगे, फिर आप मेल की बॉडी के अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन पढ़ांगे चैप्टर के अंदर, फिर आप फीमेल की बॉडी के अंदर ओवा की फॉर्मेशन पढ़ांगे चैप्टर के अंदर, फिर आप इनसेमिनेशन करांगे, फिर उस तो बाद फर्टिलाइजेशन मतलब दोनों की फ्यूजन होगी. फ्यूजन तो बाद की होंगे, फ्यूजन तो बाद इमीडिएट स्ट्रक्चर यानी कि अपने को एग है, ए स्पर्म है, ए फ्यूज होए, फ्यूजन तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर केड़ा बनता है जाइगोट. द इमीडिएट नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन इज कॉल्ड एज जाइगोट. ए क्यों दस्या, क्योंकि अगली डेफिनेशन एदे ते बेस्ड है. फोर्थ डेफिनेशन कहती है क्लीवेज. फोर्थ डेफिनेशन इज क्लीवेज. अगर रिकॉल कर सकते हो प्लांट्स वाले चैप्टर के अंदर, उत्थे भी तो आप यही किया सीगा क्लीवेज की है. जाइगोट आप उत्थे भी बनाया सी, अपन उस तो बाद की क्या सी जाइगोट के अंदर की होंगे, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स होंगे टू फॉर्म द सीड, टू फॉर्म द एम्ब्रियो एंड टू फॉर्म द सीड. सेम इज हियर, क्लीवेज की है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन इन द जाइगोट टू कन्वर्ट इट इनटू द एम्ब्रियो एंड देन टू कन्वर्ट इट इनटू द फीटस. ठीक है, बच्चे दे अंदर कन्वर्ट करन वाले डिवीजन दे प्रोसेसेस नू आपां की कहने हैं क्लीवेज. क्लीवेज नहीं होगा तो सेल है जेड़ा वो डिवाइड ही नहीं करूगा, डिवाइड नहीं करूगा तो उदा जेड़ा बॉडी दे पार्ट्स ने आईज ईयर नोज ऑर्गन्स किडनीज लंग्स वो किवें बनेंगे. देखो एक मदर दी बॉडी दे अंदर जादू हुंदा है ना, 9 months दे अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल तो पूरा दा पूरा बेबी तैयार हो जाता है. तो वो प्रोसेस शुरू होने तो पहले की होंगे क्लीवेज होंगे, सेल के अंदर डिवीजन प्रोसेसेस होंगे ने, फिर वो डिवीजन प्रोसेसेस पूरी बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म नू फॉर्म करते हैं. तो क्लीवेज की हो गया बेटे, क्लीवेज इज द रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स इन द जाइगोट टू कन्वर्ट द सिंगल सेल्ड जाइगोट इनटू द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एम्ब्रियो और टू कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्स के नाम भी आएंगे ब्लास्टूला. आप उस स्ट्रक्चर्स के नाम हुने नहीं करांगे, हुने करांगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, तो दैट इज द क्लीवेज की है रैपिड माइटोटिक डिवीजन. की दे अंदर हो रही है रैपिड माइटोटिक डिवीजन, जाइगोट दे अंदर हो रही है. क्यों हो रही है, टू कन्वर्ट इट इनटू द एम्ब्रियो एंड लेटर ऑन स्ट्रक्चर्स. ठीक है, लेटर ऑन स्ट्रक्चर्स ओदिया नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स बनाने लई जो ओदे अंदर डिवीजन्स होनगियां ओनु आपा कहने आ क्लीवेज. उस तो बाद की है बेटे इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन चैप्टर दे अंदर भी अगला सीक्वेंस यही है, क्लीवेज होया एम्ब्रियो बनिया, उस स्ट्रक्चर का जो भी नाम है. ठीक है, उथे नाम आएंगे ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टूला फॉर्मेशन, आप हजे नहीं करांगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आप एक नाम देता एम्ब्रियो. हुन एक स्ट्रक्चर उपरों दी आ रही है नीचे. हुन देखो हुन फिर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं. आ फीमेल दी फेलोपियन ट्यूब है, क्लास 10th च पढ़िया होया ना थोड़ा थोड़ा. आ फीमेल का यूट्रस है, यूट्रस मतलब जिन्हों आप पंजाबी च बच्चे का नहीं कह सकते हैं ना, दिस इज द यूट्रस ऑफ द फीमेल. इस जगह पर आ गया यूट्रस, इथे फ्यूजन हुई, इथे जा इथे स्पर्म गया, अब उन्हों की फ्यूजन हुई, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बनिया जाइगोट.
जाइगोट के अंदर डिवीजन्स होनिया स्टार्ट हुई, दिस इज एम्ब्रियो बन गया। हुन वो एम्ब्रियो रन करता करता नीचे आ रहा है, डाउन आ रहा है, ठीक है। हफ्ते के अंदर अंदर एक पूरा प्रोसेस इथे पहुंच जाता है। इमीडिएटली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दिस विल पास फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड इट विल इम्प्लांट, ये अपनी मदर दे वॉम्ब दे अंदर खुब जाता है, ठीक है, मतलब ये अंदर फिक्स हो जाता है ताकि मैं अपनी मदर दे वॉम्ब चो न्यूट्रिशन लूंगा एंड मैं इथे फिक्स होके एक बेबी बनूंगा। देखो मदर दा बेबी दे नाल कनेक्शन होंगे ना, जो तुम छोटे बच्चों के अंदर देखते दे भी हो, एक ग्रीन जे कलर की नस होंगी अम्बिलिकल कॉर्ड जिन्हों कट दिता जाता है, तो इथे ही फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होंगी है जिथों बच्चा अपनी मदर की बॉडी चो न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करता है। तो इस स्ट्रक्चर का, इस बॉल का मदर के यूटरस के नाल जाके लग जाना, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। इम अंदर, प्लांटेशन मतलब प्लांट हो जाना, अंदर जाके लग जाना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन की अंदर बेटे प्लेसेंटा, प्लेसेंटेशन हुन बच्चा बनूगा तो बच्चे दे बाहर एक कवरिंग भी तो बनूगी ना, मदर की बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्शन बनूगी। तो प्लेसेंटेशन की है जो ए बॉल एक पूरे बेबी के अंदर कन्वर्ट होगी तो बाहर एक पूरी प्रोटेक्शन, एक कवरिंग बनूगी जो उन्हू एक्सटर्नल एनवायरमेंट तो, जर्क्स तो, मदर नू कोई स्ट्रेस है, कोई मदर ने एकदम कोई शॉक है, उन्हां चीजा तो प्रोटेक्ट करूगी। दैट वॉल इज टर्म्ड टू बी एज प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा का बनना इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा विच इज द इमीडिएट इंटीमेट कॉनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस फॉर द एक्सचेंज ऑफ द मेटीरियल्स एंड एक्ट एज अ शॉक प्रूफ कुशन बिटवीन द बॉडी ऑफ द मदर एंड द बॉडी ऑफ द बेबी, दैट इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटा और प्लेसेंटेशन, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इज द गैस्ट्रुलेशन। हुन देखो हुन बेबी बनना ही शुरू हो गया, मदर दी बॉडी दे अंदर पूरा प्रोसेस शुरू हो गया। गैस्ट्रुलेशन मतलब एक प्रेगनेंसी दा 9 मंथ दा प्रोसेस जिरा राउंड अबाउट आई थिंक 280 डेज दा प्रोसेस जिन्हों आप कह सकते हैं, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन वो प्रोसेस होंगी है जदों बच्चे दिया ऑर्गन्स दिया बनन तो पहले 3 लेयर्स बनदिया ने, ठीक है, उन्हों आप कहने हैं गैस्ट्रुलेशन, जर्म लेयर्स दा फॉर्मेशन। उन्हें देखो बेटे एक एक चीज होर दसूंगी, गैस्ट्रुलेशन फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स है। जिहड़ा जाइगोट हुंदा ना ओह एम्ब्रियो दे अंदर कन्वर्ट होया, एम्ब्रियो दे अंदर जिन्ने सेल्स ने सारे स्टेम सेल्स हुंदे, आपां प्लस वन च पढ़िया सी। स्टेम सेल दा मतलब एवरी सेल हैज द पावर दैट इट कैन फॉर्म एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। उन्हां चो कोई भी सेल अपना नोज बना सकदा है, हर सेल कोल पावर है कि अपना लिवर बना सकदा, अपना स्टमक बना सकदा है। तां गॉड ने उन्हां नू 3 लेयर्स दे अंदर डिवाइड करता कि आलो भाई तुसी इन्ने सारे सेल्स हो ना, आ चको, ठीक है, आ थोनू मैं 3 लेयर्स दे अंदर डिवाइड कर देना, ठीक है, जिन्हों आपां कहिंदे 3 जर्म लेयर्स 1 2 3 एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। मैं इतने सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक पूरा आर्टिकल आऊगा। ऊपर वाली लेयर एक्टोडर्म, एक्टोडर्म एक्टो डर्म मतलब लेयर, विच वाली लेयर मीजोडर्म, लास्ट वाली लेयर एंडोडर्म। इन्हों तिना दसता भी एक्टोडर्म है ना जी स्किन बनाऊगी, नेल्स बनाऊगी, हेयर्स बनाऊगी। मीजोडर्म है ना जी कैविटीज बनाऊगी, ऑर्गन्स बनाऊगी, लिवर बनाऊगी, हार्ट बनाऊगी, लंग्स बनाऊगी। जो बाकी पार्ट रह गया वह सारा कौन बनाऊगी, एंडोडर्म बनाऊगी। तो दैट इज द गैस्ट्रुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ द 3 जर्म लेयर्स दैट इज टर्म्ड टू बी एज द गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। उस तो बाद आ जाओ बेटे ऑर्गेनोजेनेसिस। देखो जो आ 3 लेयर्स बनगिया ना फिर ही अपने की बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, ते ऑर्गन्स दी फॉर्मेशन नू आपा कहने आ ऑर्गेनोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन्स फ्रॉम दीज 3 लेयर्स और दीज 3 जर्म लेयर्स इज टर्म्ड टू बी एज द ऑर्गेनोजेनेसिस। बच्चे दा बॉडी दे अंदर बनना, किदी बॉडी दे अंदर, मदर दी बॉडी दे अंदर, ठीक है। हुन
आ गया बेटे पार्चुरेशन। देखो जदों सारे ऑर्गन्स बन गए, बच्चा मदर दी बॉडी दे अंदर पूरा न्यूट्रिशन ले चुके हैं, हुन ओह फुल प्रूफ 3 kg दा बच्चा मदर दी बॉडी दे अंदर है, तो एक 3 kg दा अगर आपां अपने नाल कोई वेट बनांगे तो आपां उन्हें किन्नी देर बीयर कर सकते हैं, तो दैट इज वह हुंदा कदों है लास्ट मंथ्स दे कोल जाके, फिर मदर दी बॉडी दे अंदर पेनफुल सिचुएशंस हुंदियां ने एंड द बेबी इज पुल्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द मदर, दैट द डिलीवरी ऑफ द मदर और एक्सपेलिंग द बेबी आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द मदर इज कॉल्ड एज द पार्चुरेशन, द एक्ट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द मदर। ये आप सारिया टर्म्स वन बाय वन चैप्टर के अंदर एज इट इज अपने को आर्टिकल्स आएंगे एंड वी विल डिस्कस देम अबाउट। ठीक है, हुन अपने को बेटे नेक्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट बिफोर दैट अपा इन्ना तक तुसी पढ़ लो, अपनी टर्म्स क्लियर कर लो, प्यूबर्टी क्लियर कर लो, बिल्कुल ईजी आर्टिकल्स ने जो अज आपने किते ने, देन वी विल कंटिन्यू विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाय टुमोरो। ठीक है।